हमको डायरेक्ट कोई कंसर्न नहीं है इस चुनाव से डायरेक्ट जी, लेकिन हम चाहते हैं कि मोदी आने को। पहली बात, उनका अवगुण कुछ नहीं है जी, तो गुण काय को खोज जी। प्राइम मिनिस्टर बनने वाले कौन है, वैसे उनका कुछ भी नाम बताया नहीं है। तानाशाही की तरफ जा रहा है, क्या लगता है आप? मुझे नहीं लगता कि देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। मैं मोदी को वोट इसके लिए देना चाहूँगा कि मोदी ही ऐसी लीडरशिप है कि जो कॉमन सिविल कोड ला सकती है। इंडिया सुपर पावर बनना तय है अगर उनको कोई यही डिस्टर्ब करना होता है जानबूझ के। जानबूझ कर कोई नहीं। इस देश की मीडिया अभी उतनी उतना उसका स्तर नहीं गिरा है कि जो किसी सायरन के डर से भाग जाए। हम आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। हालांकि कुछ लोगों पर आरोप लगते हैं कि वो खुलकर आवाज़ नहीं उठाते, पर रैपअप इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता है और हम वादा करते हैं कि हम हमेशा से आवाज़ उठाते रहें और उठाते रहेंगे। हमारा यही एजेंडा है कि कॉमन सिविल कोड लाने के लिए उनको समझाना पड़ेगा जी। वो समझने के बाद में हो सकता है रिजर्वेशन पे भी ऐसा बोलूंगी मैं जी कि जो भी है ना वो आर्थिक निकष पे होना चाहिए जी। जो रिजर्वेशन है जी, वो ऐसे ही देते हैं कास्ट के हिसाब से, वो बराबर नहीं है ना। क्या वो वास्तव में उस चीज के महिलाओं का बराबर अधिकार है? मैं उनसे पहले पूछ लूंगा, उसके बाद आपसे पूछूंगा जी। क्या आपको लगता है सामाजिक समानता हो गई है? नहीं, सामाजिक समानता हो गई है ये तो सामाजिक असमानता है ही नहीं। अगर हमारे देश में इतनी विविधता है तो विविधता में भी एकता तो है। ये वही जगह है जहाँ पे 2013 में निर्भया कांड के बाद बहुत बड़ा जनव्यापी आंदोलन हुआ। आप उसी जगह पे खड़ी हैं और आप देश की महिला हैं। क्या लगता है 2013 से अब तक 11 साल में कुछ बदला महिलाओं के लिए? राजनीतिक झगड़ा चल रहा है ओबीसी का और मराठा का, ये पहले खत्म करना चाहिए। इस राजनीतिक झगड़े का असली जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? अभी ये पॉलिटिकल सब लीडर है, ये सब लीडर है। किसी एक को एक का नाम बता के क्या मतलब है? जो ऊंचे जाति वाले लोग हैं और उनके आर्थिक परिस्थिति नहीं है, उन्होंने क्या करना है? उसके लिए 10% आ गया है ना। और क्या 10% से क्या होगा? होगा क्या उसमें? सब लोग ना राजीव अपना राहुल गांधी को पप्पू बना के रखे मीडिया ने, बराबर है। अभी उसका क्या है? हाँ, कथित मीडिया ने जो भी होगा, तो क्या वो सच में पप्पू है या ये छवि खराब? ये अभी हम नहीं बता सकते, हम राहुल गांधी से मिलके फिर बताएं। बिल्कुल, थैंक यू। रोलिंग कैमरा, एक्शन। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले इंडिया गेट के पास और मेरे ठीक पीछे इंडिया गेट है और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति और बगल में एक नेशनल म्यूजियम भी है जिसका निर्माण हाल में करवाया गया है। इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव अपने उच्चतम स्तर पर है, पीक पर है। जैसे करंट दौड़ता है 11,000 की लाइनों में, 11 हाई टेंशन लाइनों में, ऐसे पूरे देश में करंट दौड़ रहा है लोकसभा चुनाव का। लोग वोट देने के लिए आते हैं, उनके मुद्दे हैं, उनकी समस्याएं हैं, वो किसको चुनना चाहते हैं, उनके क्या मत हैं। ये ऐसी जगह है जहां पर देश के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और ये ऐसा संगम है। यहाँ पर हर तरह के लोग, हर जाति से, हर धर्म से और हर प्रांत से लोग यहाँ मिल जाएंगे। ऐसे ही हमें एक परिवार मिला जो महाराष्ट्र से आया है। उनसे हम बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में कि उनके क्या मत हैं और वो किन मुद्दों पर सोचकर वोट दे रहे हैं। आपका नाम? जी सर, प्रकाश दातर, एडवोकेट प्रकाश दातर। एडवोकेट प्रकाश दातर जी, तो क्या आपके मुद्दे हैं इस लोकसभा चुनाव में? हमको डायरेक्ट कोई कंसर्न नहीं है इस चुनाव से डायरेक्ट जी, लेकिन हम चाहते हैं कि मोदी आने को। मोदी आने को आप चाहते हैं, तो आपको ऐसे क्या कुछ उनके गुण लग रहे हैं ऐसी इस सरकार के जो आप दोबारा से तीसरी बार रिपीट करना चाह रहे हैं? पहली बात, उनका अवगुण कुछ नहीं है जी, तो गुण काय को खोजने जी जी बिल्कुल। विपक्ष के बारे में क्या सोचते हैं आप? जैसे राहुल गांधी, कभी वायनाड की बात होती है, फिर पता चलता है रायबरेली, अमेठी, फिर लास्ट में आके रायबरेली में टिक जाते हैं जाके। क्या लगता है आपको ऐसे इधर से उधर, उधर से इधर, चूहे के बिल में ऐसे घूमना, क्या लगता है आपको? क्यों ऐसे बात? उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने को ना था जी, कांग्रेस ने अकेले वैसा नहीं किया, सब लोगों को इकट्ठा किया। वो कब कहाँ चले जाएंगे कुछ कहते नहीं है। नहीं तो क्या लगता है आपको कांग्रेस सभी दलों को इकट्ठा करने में क्यों नाकामयाब? गाड़ी जो उन्होंने बनाई है ना जी, तो उसमें उनका अभी
प्राइम मिनिस्टर बनने वाले कौन है, वैसा उनका कुछ भी नाम बताया नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं, लेकिन उन पर भरोसा रखना कैसे? और इधर उधर भागते रहते क्या करने का, कल ये सब भाग जाएंगे, नहीं भाग जाएंगे तो क्या करेंगे? ये बोलेंगे मैं पंतप्रधान बनता, ये बोलते मैं पंतप्रधान बनता, किसको बनाएंगे? आज ही बोल रहे हो, आज ही बोल रहे जी। फिर किसको बनाएंगे जी? ऐसी बात हो रही है। अभी इन्होंने अभी अभी नाम डिक्लेयर किया जी। ये इनको हम प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले हैं, तो अगर वो नाम डिक्लेयर कर दिया तो कुछ ना कुछ होगा। वो नाम डिक्लेयर क्यों नहीं करते? क्या आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र में दिन ब दिन बदलाव होते रहने चाहिए? जैसे मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी का कोई नया चेहरा भी सामने आना चाहिए? एक हाथ, मतलब ऐसे कुछ यूट्यूबर्स, और मैं नाम नहीं लूंगा, एक डिक्टेटरशिप जैसा उन्होंने वो चलाया ट्रेंड की जो देश है वो तानाशाही की तरफ जा रहा है, क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता कि देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। एक बात सही है कि एनडीए गवर्नमेंट की वजह से भारत ने प्रगति की है जी, और मैं ये भी मानता हूँ कि जो सिस्टम मोदी ने बैठाई है जी, ये सिस्टम के आधार पर अभी कोई भी पक्ष आए जी, आर्थिक लेवल पे वो उसकी प्रगति होते रहेगी जी, क्योंकि सब सिस्टम ही सब बदल गई है। जीएसटी से बहुत सारा उत्पन्न आता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं मोदी को वोट इसके लिए देना चाहूँगा कि मोदी ही ऐसी लीडरशिप है जी कि जो कॉमन सिविल कोड जी ला सकती है, और कॉमन सिविल कोड लाना ये देश के लिए बहुत अहम चीज़ है, और दूसरे कोई नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कॉमन सिविल कोड ला सकता है। सर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता की बात करी, जिसका जिक्र हमारा संविधान का आर्टिकल 44 जितना तक मुझे याद है वो देता है। क्या लगता है आपको कि जैसे एडॉप्शन, सक्सेशन, मैरिज, भारत में बहुत विविधताएं हैं। भारत में कहा जाता है कि एक कहावत है कि कोस कोस पे पानी, बल्दे तीन कोस पे वानी, तो हम देखते हैं कि जिस विविधता के आधार पर इस देश का जन्म हुआ 1947 में, जन्म बहुत पहले से है, मैं कोट कर रहा हूँ कि 1947 जब आजाद हुआ, स्वतंत्रता मिली, तो हमारे देश में विविधता और बहुलता रही कि हिंदू भी रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे, हमारा देश धर्म के आधार पर नहीं बना, सबके अलग अलग उनको मान्यताएं दी गई। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 2014 या फिर उसके 19 के बाद से एकदम से यूसीसी की मांग पैदा हुई देश में? आपका ये कहना गलत है कि 2014 और 2019 में कॉमन सिविल कोड की मांग पहली बार तभी तभी स्तर पे थी बहुत ज़्यादा। आप जो बात ये कह रहे हैं कि ये विविधता है, इतनी परंपरा है जी, और इस ढांचे में कॉमन सिविल कोड आ नहीं सकता जी, ये जो विविधता है, ये जो परंपरा है, ये सब जो डिफिकल्टीज है वो 1950 में भी थी जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखित स्वरूप में कही है कि भारत में कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, तो कॉमन सिविल कोड आना चाहिए ये जब लिखा गया तब भी ये सब डिफिकल्टीज थी जी। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि ये डिफिकल्टीज ओवरकम करके देश हित के लिए कॉमन सिविल कोड लाना ये कॉन्स्टिट्यूशनल और ये इंडिया के हित में है, ये 1950 में तय हुआ है, ये 2014 में या 2019 में तय नहीं हुआ है। मैं मांग की बात कर रहा था, आप वकील हैं और ये जो अच्छा आप भी वकील हैं, सॉरी, और ये भी बात तय है कि अभी जो मोदी साहब ने निर्णय लिए हैं ये निर्णय दूसरा और कोई नेता ये 70 साल में ले नहीं पाया। सही बात, ये वास्तवता हम भूल नहीं सकते। तो देश के हित के लिए और देश इकट्ठित और संगठित रहने के लिए कॉमन सिविल कोड आना बहुत ही जरूरी है, और ये जो आर्थिक ढांचा है, मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक ढांचा ये ऐसा बन चुका है कि इंडिया सुपर पावर बनना तय है। दूसरा विपक्ष भी सत्य अगर सत्ते में आता है तो वो भी उसको मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, लेकिन ये मुद्दे को मैं ज़्यादा मैं एक्चुअली जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है
वो शुरुआत से ही जो पुर्तगाली गोवा में थे तो वहाँ पे कुछ प्रावधान पहले से लागू है यूसीसी के, जितना मुझे जानकारी है। मैं भी कुछ दिन तैयारी किया हूँ एडवोकेसी की, तो मुझे भी पहले से ही लागू है, कुछ राज्यों में लागू है। अभी उत्तराखंड में ड्राफ्ट पास हुआ, मुझे पता है उसमें कुछ डिफिकल्टीज आएंगी, कुछ शुरू में बुनियादी अपने को उसमें। लेकिन आप देखते हैं कि इस देश में एक तबका ऐसा है जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो बड़े चिंतित हैं इसको लेके। क्या आपको लगता है कि उन्हें कोई बरगला रहा है या वो सच में चिंतित हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, ये जो बात है, जब 370 खारिज किया तब भी बात चली थी कि जब 370 ऐसा भी कहा गया कि जब 370 आप खत्म कर देंगे उस दिन कश्मीर जल उठेगा, ऐसा तो हुआ नहीं। ये भी ऐसी बात है, अपने को मुस्लिम भाइयों को विश्वास में लेना पड़ेगा, उनको सब कहना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी बात बोली कि विश्वास में लेना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। और ये देश हित में कैसा अच्छा है जी, आप अगर मुस्लिम महिला है, आप अगर हिंदू महिला है, आप अगर आदिवासी महिला है, और तीनों महिलाओं के लिए एक कानून है, अडॉप्शन के लिए एक कानून है, प्रॉपर्टी के लिए राइट्स के लिए एक कानून है, तब ये सब बातें जो हैं, ये बातें इसका महत्व अगर उनको समझाए। तो यही डिस्टर्ब करना होता है जानबूझ के, जानबूझ के। हाँ हाँ, वो जानबूझ करते हैं, कोई नहीं। इस देश की मीडिया अभी उतना उसका स्तर नहीं गिरा है कि जो किसी सायरन के डर से भाग जाए। हम आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे, हालांकि कुछ लोगों पर आरोप लगते हैं कि वो खुलकर आवाज़ नहीं उठाते, पर रैपअप इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता है और हम वादा करते हैं कि हम हमेशा से आवाज़ उठाते रहें और उठाते रहेंगे, हमारा यही एजेंडा है जी। हम यूसीसी पे बात कर रहे थे। हाँ, ये जो कॉमन सिविल कोड है ये अपने देश के लिए बहुत अहम है, और ये अहम बात जो है ये मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं सोचता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गवर्नमेंट आना चाहिए। कहाँ से हैं आप महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में से नासिक डिस्ट्रिक्ट मालेगांव। नासिक मालेगांव, मालेगांव जो है, मालेगांव इज फेमस फॉर ब्लास्ट, राइट? सो फेसिंग दोस डिफिकल्टीज आज जो है ना 70%। हैव यू सीन द ब्लास्ट सीन? और वी हैव फेल्ट इट, और हम वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसके बारे में जो लोग बाकी की बातें करते हैं उनकी बातें रहती है, हमारा अनुभव है जी। इसलिए हम मालूम देखते रहते हैं रोज का क्या चलता है, आपने जरूर देखा होगा, मतलब देखते रहते ना। तो ये जो मुस्लिम भाइयों का जो डर है जी, वो अपने को निकालना पड़ेगा, उनको विश्वास लेना। तो आप यहाँ मतलब घूमने आए थे दिल्ली में? घूमने आए, मतलब मेनली घूमने के ही बहाने यहाँ आए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कुछ कहेंगे, क्या क्या समस्याएं हैं आपकी वहाँ लोकल की, वहाँ पे क्या? वैसे समस्या कोई नहीं है, आपने अभी मुस्लिम भाइयों के बारे में बताया, एक दो चार लीडर रहते हैं वो उनको इकट्ठा करते रहते हैं और उनके इसमें आके वो कुछ तो भी करते, वो सब उनको भी बाद में समझता कि अपन ने गलत किया, गलत किया, तो ये चलता ही रहेगा। इसलिए इन्होंने जो बताया कि कॉमन सिविल कोड लाने के लिए उनको समझाना पड़ेंगे जी, वो समझने के बाद में वो हो सकता है वो बदल जाएंगे। लोकल डिफिकल्टी सिर्फ मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ, ये जो प्याज की निर्यात है, वो प्याज का प्याज की जो निर्यात बंद की है वो खुली होनी चाहिए, और महाराष्ट्र के किसान को उसके पीछे जो एक्साइज डिपार्टमेंट है और जो ट्रेड का डिपार्टमेंट है, वो ये बोलते हैं कि देश में उतना प्याज रहना चाहिए कि वो विदेश ना जा पाए, देश में कीमतें ना बढ़े, उनका ये मानना है, इस वजह से वो बैन लगाते हैं। ये जो मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास है, उन्होंने अगर 15-20 रुपए किलो से कांदा लिया और उसको उनको 5 रुपए ज़्यादा देना पड़ा तो उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब शेतकरी को अगर वो प्याज 10 रुपए से बेचना पड़ता है तो उसको ज़्यादा तकलीफ है। देश के किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए, सही बात है। अगर आप सब्जी लेने गए जी जी 20-40 रुपए आप 1/4 किलो सब्जी के लेते और वो एक ही दिन में खत्म हो जाती है वो सब्जी, प्याज एक दिन में 1 किलो लाए तो खत्म हो जाएगा, वो 8 दिन चलता है वो।
इसलिए वो प्याज को प्याज के बारे में वो दीदी ज्यादा बेहतर बताएंगी, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता जितना मुझे जानकारी है। खैर इसके पीछे कोई स्टीरियोटाइप्स नहीं है, एक मर्द भी खाना बना सकता है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। जी आंटी कैसा क्या? अरे अरे ऐसे थोड़े ना कि तू चल मैं चल वाला, बोल दो क्या जाता है। प्याज तो जरूरी है ना जी रोज के लिए। हाँ हाँ जो भी हम औरतें खाना बनाती है तो प्याज जरूरी है, और प्याज की कीमत अगर बढ़ गई है तो कैसे चलेगा जी। तो आप वो बढ़ती नहीं, आप एक वुमेन है, आप घर संभालती हैं, आपकी वुमेन सेफ्टी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक मुद्दा रिजर्वेशन का है, दूसरा मुद्दा नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो अभी आया उस वो भी बाद में लागू होगा संसद में रिजर्वेशन का, क्या लगता है आपको? रिजर्वेशन पे भी ऐसा बोलूंगी मैं जी कि जो भी है ना वो आर्थिक निकष पे होना चाहिए जी। जो रिजर्वेशन है वो ऐसे ही देते कास्ट के हिसाब से जी। वो बराबर नहीं है ना। मराठा रिजर्वेशन की बात उठती है महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा, लगा ही रहता है कई सालों से चल रहा है। तो कोई एक नेता है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो धरने पे भी पड़े रहते हैं, भूख हड़ताल पे भी, जरांगे पाटिल, मनोरथ जरांगे पाटिल, तो वो बड़े लीडर माने जाते हैं मराठा आरक्षण के समर्थन के। तो क्या लगता है आपको, मराठा आरक्षण की मांग सही है क्या? वो वास्तव में उस चीज़ के महिलाओं का बराबर अधिकार है? मैं उनसे पहले पूछ लूँगा, उसके बाद आपसे पूछूंगा जी। जी आरक्षण, मैंने तो आपको बताया ना कि आरक्षण अगर ये है तो आर्थिक निकष पे लगाओ जो है वो जी। क्या सिर्फ कास्ट के हिसाब से आप आरक्षण लगाए तो वो बराबर नहीं है ना? जैसे आपके ही कोई आपके पति थे, पता नहीं किसके थे वो, मैं सॉरी इसके लिए, तो वो बोल रहे थे कि जब अंबेडकर ने संविधान लिखा तो यूसीसी की बात करी और भी चीज़ों की बात करी, उनमें आरक्षण की भी बात थी, और ये बात थी कि जब तक सामाजिक समानता नहीं हो जाती तब तक जाति के हिसाब से। क्या आपको लगता है सामाजिक समानता हो गई है? नहीं, सामाजिक समानता हो गई है ये तो सामाजिक असमानता है ही नहीं। अगर हमारे देश में इतनी विविधता है तो विविधता में भी एकता तो है ही ना, फिर असमानता रही कहाँ? अब तो सभी आर्थिक निकट में असमानता है वो बराबर अगर करनी है तो वो आर्थिक अपनी जो मेरिट है उस पे करो ना जो है वो आर्थिक। आप कुछ कहेंगे, क्या लगता है आपको? सब्जी उपजी वो तो सब आ जाएगा, लेकिन मैं तो यही बोल सकती हूँ कि हमने मोदी को वोट देना चाहिए और देश को अच्छे तरह से ऊपर लेकर। आप एक वुमेन हैं, आपके बच्चे भी होंगे, लड़के होंगे, लड़कियाँ होंगी, सेफ महसूस करती हैं इस देश को? महाराष्ट्र में तो बहुत सेफ, हमारे यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात दो ही स्टेट ऐसे जहाँ पे सिक्योरिटी एकदम अच्छी है। ये वही जगह है जहाँ पे 2013 में निर्भया कांड के बाद बहुत बड़ा जनव्यापी आंदोलन हुआ, आप उसी जगह पे खड़ी हैं और आप देश की महिला हैं। क्या लगता है 2013 से अब तक 11 साल में कुछ बदला है महिलाओं के लिए सेफ्टी के मामले में? सेफ्टी के मामले में तो वैसा नहीं बोल सकती हूँ, बदला कुछ ज़्यादा तो वो तो फर्क है स्टेट के वाइज, उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काम है ना, काम है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो नहीं है। जी जी बिल्कुल, आप कुछ कह रहे थे सर? जो मराठा समाज में जो आर्थिक निकष पे जैसे बोल रहे हैं हमारे भाभी जी बोल रहे हैं, अगर महाराष्ट्र में मेन प्रॉब्लम जो है OBC मराठा जी, तो उसमें मराठवाड़ा जो भाग है, मराठवाड़ा एरिया में ऐसा हुआ है कि उनका जो कुनबी का सर्टिफिकेट है वो निजाम काल में वो गायब हो गया है, और जो उर्वरित मराठवाड़ा है वहाँ पे कुनबी का सर्टिफिकेट मिल गया है लोगों को, और वो पुराना है, तो उसकी वजह से जो एरिया अदर देन मराठवाड़ा है वो एरिया में कुनबी का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, OBC में है सब लोग, मगर ये राजनीतिक झगड़ा चल रहा है OBC का और मराठा का, ये पहले ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि देखो अभी जैसे ये अपना ये हो गया फुले अंबेडकर जी, यानी जो महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके माली समाज के लोग हैं वो OBC में आते हैं, और कुछ जातियाँ ऐसी है जो OBC में आती है, तो उनके ऊपर अन्याय होने का कोई सवाल ही नहीं आता ना, क्योंकि अगर OBC जो कुनबी लोगों को भी दिया जाता है, कुनबी मराठा जो है जी, तो उसमें ये राजनीतिक झगड़ा करने में कोई मतलब नहीं, फल तो बिना वजह जो युवा जन है
उनको कुछ तो भी अलग तरीके से भड़काया जा रहा है, कुछ तो भी गलत उनको। इस राजनीतिक झगड़े का असली जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? अभी ये पॉलिटिकल सब लीडर है, ये सब लीडर है, किसी एक को एक का नाम बता के क्या मतलब है? देखो किसी एक का नाम नहीं पूछा। सुनो, अगर इसमें कोई ऐसा जो मनोज जरांगे पाटिल क्या बोल रहे, उनका कहना ऐसा है कि ओबीसी सर्टिफिकेट दो हमें। ओबीसी सर्टिफिकेट तो तुमको देना ही है ना, अगर जो खून भी मराठा है उनको तो देना ही है, तो उसमें झगड़ा का है? तो ओबीसी नेताओं ने क्यों उसको अपोज करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। उनके ऊपर अन्याय क्या होने वाला है उससे? जो कुनबी अगर अदर देन ओबीसी यानी सब जाति है ना, उसमें खाली मराठा ही नहीं है, उसमें तो सब जाति। अगर ये सब नहीं चाहते तो सब आरक्षण हटा दो, आर्थिक निकष पे आरक्षण लगाओ, क्या फर्क पड़ने वाला? अरे आम आदमी जो अभी समझ लो, जो ऊंचे जाति वाले लोग है और उनके आर्थिक परिस्थिति नहीं है, उन्होंने क्या करना है? उसके लिए 10% आ गया है ना। अरे क्या 10% से क्या होगा? होगा क्या उसमें? होने वाला है सब फिर समान एक एक मांग आर्थिक निकष से अगर आरक्षण देते तो सबके ऊपर न्याय होगा, अन्याय तो किसी के ऊपर। तो तुमको 10% और 20% और 15% देने की जरूरत ही नहीं ना। ऐसा नहीं लगता कि जैसे 50% तो रिजर्वेशन है ही है कुछ स्टेट्स में, 77% तक, जैसे तमिलनाडु में 10% एक्स्ट्रा हो गया ये इनका वाला, तो 60% हो गया। लेवल प्लेइंग जो फील्ड है, जो जनरल कास्ट है और उसमें भी जो EWS में नहीं है, यानी कि जो अमीर माने जाते हैं 8 लाख से ऊपर सैलरीज वाले लोग, अभी देखो उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कम नहीं हो रहा है, मतलब उनकी प्रतिभा का। एक बात बताओ, पहले सबसे पहले सिस्टम को सुधारना चाहिए। अगर आज मैं हाई इनकम गट में अगर जाता हूँ, मैं तहसीलदार के पास जाके मेरा दूसरा ही कुछ रिकॉर्ड दिखा के मैं EBC कर सकता हूँ, तो उसका मतलब क्या है फिर? बराबर क्या नहीं? ये देखो, ये अन्याय किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, ना ओबीसी के ऊपर होना चाहिए, ना मराठाओं के ऊपर होना चाहिए। मैं खुद मराठा हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। कुनबी लोगों को मराठा का सर्टिफिकेट देने में क्या तकलीफ है? अच्छा, क्या लगता है आपको देश की जनता का मूड किस तरफ है इस बार? ये तो अभी मतदान ही बोलेगा ना, ये क्या बोल के क्या मतलब? नहीं, नहीं, एक हर लहर समझ में आ जाती है। लहर में देखो, अभी सब लोग ना राजू अपना राहुल गांधी को पप्पू बना के रखे मीडिया ने, बराबर है। हाँ, अभी उसका क्या है? हाँ, कथित मीडिया ने। हाँ, जो भी होगा तो उसमें देखो, अपोजिशन भी तगड़ा होना चाहिए। सबसे पहले ये बात सुनना, जब जो भी देश चलाएगा, कोई भी चलाने दो, अगर मोदी जी चलाते, अगर राहुल जी चलाते, तो भी मगर उनको अपोजिशन तगड़ा चाहिए, उसकी वजह से आम लोगों की कीमत रहेगी। नहीं तो क्या रहेगी? राहुल गांधी को पप्पू बना के रखा है, क्या वो सच में पप्पू है या ये छवि खराब है? ये अभी हम नहीं बता सकते, हम राहुल गांधी से मिलके फिर बताएंगे। बिल्कुल, थैंक यू। यहाँ पर महाराष्ट्र से हमारे साथ एक फैमिली थी, उन्होंने हमारे साथ चुनावी मुद्दों पर, महाराष्ट्र की राजनीति पर और वहाँ के मुद्दों पर बात करी। कैमरे के पीछे प्रद्युम्न, मैं यश अवस्थी, नई दिल्ली।